परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर चनावाला धन्यवाद अर्पो। और टुडे मेडिटेशन, आज के ध्यान के लिए अच्छा मनना करता। वी मस्ट नो व्हाट इज द वॉइस ऑफ गॉड। आज हमें इस बात को जानना चाहिए कि ईश्वर की आवाज क्या है। आणि आज अपन ही गोष्ट जाणून घेतली पाहिजे की परमेश्वराची वाणी ती काय। Psalms 81 chapter 8 verse, 11th verse and 13th verse. 81 भजन के 8 वचन, 11 वचन और 13 वचन पढ़े। 81 स्तोत्र त्याचा 8, 11 आणि 13 वचन आपण वाचूया। अहो माझ्या लोकांना ऐका, मी तुम्हास बोध करीतो। हे इस्रायला, तू माझे ऐकशील तर बरे होईल, परंतु माझ्या लोकांनी माझी वाणी ऐकली नाही। इस्रायलाने माझे ऐकले नाही, माझे लोक माझे ऐकतील। इस्रायल माझ्या मार्गांनी चालेल तर बरे होईल। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्रायल, भला हो कि तू मेरी सुने, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। इस्रायल ने मुझको ना चाहा, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्रायल मेरे मार्गों पर चले। Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. This is a complaint of the heavenly God. और ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर की एक शिकायत है जो हम यहाँ पर देखने पाते। स्वर्गीय परमेश्वर जो पिता है त्याची एक तक्रार आहे जी आपण या ठिकाणी वाचली। Children of Israel called the God's people. इस्राएल के संतान ईश्वर के संतान करके कहलाए जाते। इस्राएल लोक हे परमेश्वराचे लेकर असे म्हटले गेले आहे। But God complained about them that they are not hearken the voice of God. लेकिन ईश्वर परमेश्वर उनके संबंध में यह शिकायत करता है कि वे मेरी आवाज या मेरी बातों को नहीं सुनते। परंतु परमेश्वर त्यांच्या विषयी अशा प्रकारे तक्रार करतो की माझी वाणी हे लोक ऐकत नाही। Dear children of God, tonight God urged me to tell this truth that you have to hear the voice of God. परमेश्वर की प्रिय संतान, आज परमेश्वर मुझे इस बात की प्रेरणा देते हुए क्या कहा है कि मेरे लोग मेरी आवाज को सुनना चाहिए। प्रिय देवाचा लेकरानो, आज सायंकाळी परमेश्वर मला शरीराने सांगत आहे की माझ्या लेकराने माझी वाणी ऐकावी। When you read the John 5th chapter and 25th verse, योहानाचे सुसमाचार के अध्याय 5 के 25 वचन को जब लोग पढ़ते हैं, योहानाचे पुस्तक त्याचा 5वा अध्याय वचन 25 सेवा वाचतो। John 5th chapter 25th. योहानाचे सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25. योहान 5 त्याचं 25वं वचन। मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो कि मेलेले लोक देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील व जे ऐकतील ते जिवंत होतील। अशी वेळ येत आहे किंबहुना आता आलीच आहे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Very soon they shall hear the voice of the Son of God. बहुत ही शीघ्र परमेश्वर के पुत्र की आवाज मृतक सुनेगी। आणि लवकरच देवाच्या पुत्राचे आवाज ते लोक ऐकतील। Dear children of God, we are going to hear the voice of our beloved Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की आवाज हम सुनने जा रहे हैं। प्रिय देवाचा लेकरांनो, आपला प्रभु येशू ख्रिस्ताची वाणी आज आपण ऐकणार आहोत। Children of Israel disobeyed the voice of God, but we have to obey the voice of the Lord Jesus. इस्राएल के संतान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुने नहीं माने, लेकिन हम यीशु मसीह की आवाज को सुनना। आणि इस्रायल लोकांनी देवाची वाणी ऐकली नाही, त्याचं पालन केलं नाही, परंतु आज आपण त्याची वाणी ऐकावी। There are so many voices you can hear in the world. इस संसार में विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुन सकते हैं। आणि या जगामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या वाणी आपण ऐकतो। वॉइस ऑफ द बर्ड्स, वॉइस ऑफ द एनिमल्स, वॉइस ऑफ द पीपल एंड वॉइस ऑफ द डेविल ऑल्सो। हम लोग पक्षियों की आवाज, पशुओं की आवाज, मनुष्य की आवाज, शैतान की आवाज इस संसार में सुन सकते हैं। पक्षांची आवाज, मनुष्याचा आवाज, सैतानाचा आवाज या जगामध्ये आपण ऐकतो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्ट मेडिटेट अबाउट द वॉइस ऑफ मैन। हम लोग सबसे
पहले मनुष्य की आवाज की ओर थोड़ा ध्यान दे अनि प्रथम मनुष्य चा आवाजा कड़े वाणी कड़े अपन लक्ष्य लाओ Acts 12 chapter 22 verse says प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 22 वचन कहता है प्रेरित 12 अध्याय तच 22 वचन अस म्हणतो and the people gave a shout saying it is the voice of a god not a man तब लोग पुकार उठे तो ये मनुष्य की नहीं ईश्वर की शब्द करके कहा तब लोग गजर करून बोलले ये देव वाणी आहे मनुष्याची वाणी नवे when king going on speaking to the congregation people shouted that it is not voice of god it is a voice of god not voice of man जब हेरोद राजा लोगों के मध्य में प्रवचन देते चले जा रहा था जो प्रचार करते चले जा रहा था सब लोगों ने ऊंची आवाज इस प्रकार कहा ये तो मनुष्य की आवाज नहीं ये ईश्वर की आवाज अनि हेरोद राजा जब त्या लोकांमध्ये तो बोलत होता तेव्हा त्या लोकांनी म्हटलं कि ही मनुष्याची वाणी नव्हे परंतु देवाची वाणी आहे when people appreciate that voice immediately the punishment and the power of god came and smite the Herod and he killed himself aur jab log is Herod raja ki prashansa karne lage jab uske naam ko uncha karne lage us samay mein parmeshwar ne Herod ko saza ke taur mein aisa mara ki wo wahi par mar gaya ani tya tikani jab Herod raja la log tachi prashansa karu lagle tachi badai maru lagle tebha parmeshwar ani tela shiksha marun asha prakare marla ki tya tikani to thar jhala second we are hearing the voice of the devil dusra shaitan ki awaz ko dekhi dusra shaitanachi vani apan paho genesis 3 chapter first verse says utpatti ki kitab adhyay 3 pehla vachan mein hum dekhte hain utpatti cha pustak tisra adhyay tacha pehla vachan now the serpent was more subtle than any beast of the field which the lord god had made he said unto the woman yeah hath god said ye shall not eat the every tree of the garden utpatti ki kitab tisra adhyay pehla vachan yehovah parmeshwar ne jitne bane hue pashu banaye the un sab mein sarp dhoot tha usne stri se kaha kya sach hai ki parmeshwar ne kaha तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना उत्पत्ति 3 तसा पहिला वचनात अपन वाचतो परमेश्वर देवाने केलेल्या सर्व वंशनात सर्प फार दूरत होता तो स्त्रीला म्हणाला तुम्ही बागेतल्या कोणत्याही झाडाचे फळ खाऊ नये असे देवाने तुम्हास सांगितले हे खरं काय मॅथ्यू 4 चॅप्टर 3 वर्सेस मत्ती जे सुसमाचार 4 अध्याय के 3 वचन में लिखा मत्ती 4 त्याचं 3 वचनात आपण वाचतो देयर वी सॉ दैट आवर लॉर्ड टेम्प्टेड बाय द डेविल वॉइस और वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह एक शैतान के द्वारा परखा जाता है इस बात को वहां पर देखने पाते हैं अनि त्या ठिकाणी अपन पाहतो की प्रभु येशू ख्रिस्त शैतानाद्वारे परखला जातो एंड व्हेन द टेम्प्टर केम टू हिम एंड सेड इफ थाउ बी द सन ऑफ गॉड कमांड दैट दीस स्टोन्स बी मेड ब्रेड तीसरे वचन में इस प्रकार लिखा है तब परखने वाले के पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि वे पक्की ये पत्थर रोटी बन जा तब आप परीक्षक त्याच्या जवळ येऊन म्हणाला तू देवाचा पुत्र आहेस तर या धुंड्यांच्या भाकरी भावी अशी आज्ञा कर थर्ड वी आर सीइंग अबाउट द गॉड्स वॉइस तीसरा हम लोग ईश्वर की आवाज को देखे आणि तीसरा आपण परमेश्वराची वाणी पाहू as we read 81 psalm 8th verse and 11th verse 13th verse aur jaise ki humne 81 bhajan ke 8 11 13 vachan ko padha ani jaisa apan stotra sahita 81 8 11 ani 13 vachan vachla lord complained about the children of god that they are not hearkening my voice parmeshwar israel ke santano ke sambandh mein yeh shikayat kar raha hai ki ve meri awaaz nahi sunte parmeshwar israel lokan cha israel lokan vishayi ashi takrar karat ahe कि माझे लेकर माझी वाणी ऐकत नाही ये चिल्लो गॉड टुनाइट एग्जामिन योर लाइफ आर यू हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड परमेश्वर की प्रिय संतान आज की रात अपने जीवन को आप परख के देखो कि क्या आप ईश्वर
परमेश्वर की आवाज सुनते हो। प्रिय देवाच्या लेकरांनो आज रात्री तुमच्या स्वतःचं परीक्षण करून पहा की तुम्ही देवाची वाणी ऐकता का नाही। As sister gave the testimony, she heard the voice of God and obeyed the voice of God and came for this ministry. जिस प्रकार बहन ने आज गवाही दिया कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस आवाज को सुन करके उसने अपने जीवन को सौंपते सेवकाई में चले आओ। आणि जसं आपण साक्षात केली की आपल्या बहिणीने म्हणालं की तिने परमेश्वराची वाणी ऐकली, वाणी ऐकून तिने आपलं जीवन देवाच्या सेवेकरिता समर्पण केलं। एव्हरी मॅन्स ड्यूटी दॅट वी हॅव टू ओबे द व्हॉइस ऑफ गॉड। हर एक मनुष्य की कर्तव्य यह है कि वह ईश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। प्रत्येक मनुष्याचं कर्तव्य आहे की त्याने देवाच्या वाणीकडे लक्ष द्यावं व ती ऐकावी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेडिटेट अबाउट द व्हॉइस ऑफ मॅन। सबसे पहले हमने मनुष्य की आवाज के विषय में ध्यान किया। सर्वात प्रथम मनुष्याच्या वाणी विषयी आपण मनन केलं। When we go through that Proverbs 7 chapter 21 verse, नीति वचन अध्याय 7 के 21 वचन की ओर जब हम जाते हैं, नीति सूत्र 7 अध्याय 21 वचन जब वाचतो, With her much fair speech she called him to yield with the flattering of her lips she forced him. और ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। तिनी आपल्या पुष्कळ मोहक भाषेने त्याला वश केले, आपल्या वाणीच्या माधुर्याने त्याला आकर्षित घातले। Dear children of God, nowadays so many people, they have fallen in sin with a fair speech. आज कई लोगों को पाप में बातों की सुंदरता या मधुरता को सुन करके गिरते हुए हम इन दिनों में देखने पाते हैं। आणि आज अपन पाहतो की बोलण्याच्या मोहकामध्ये आज पुष्कळसे लोक पापांमध्ये पडतात। So many people hearing the voice of men and they fall into the sin. कई लोग मनुष्य की मीठी और चुपड़ी बातों को सुनते हुए पाप में गिर पड़ते हैं। पुष्कर से लोग मानवाचा गोड़ गोड़ व लागवी भाषे ऐकून ते पापा मध्ये पड़ता। Nowadays Satan using internet for so many people. आज शत्रु शैतान इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है कई लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। आणि आज शैतान इंटरनेट चा उपयोग करत आहे छळीकडून लोकाला त्याच्याकडे आकर्षित करण्यास। एक्झाम्पल चॅटिंग व्हिडिओ चॅट युझिंग स्काइप याहू मेसेंजर्स लाइक दॅट सो मेनी पीपल फॉलोइंग इन दॅट। इन दिनों में याहू चॅटिंग के द्वारा स्काइप के द्वारा ऐसे अलग अलग इंटरनेट के माध्यम से होने वाले बातचीत या चैटिंगों के द्वारा अनेक लोग पाप में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आणि आज अपन पाहतो की याहू चॅट असू द्या किंवा स्काइप असू द्या याच्या द्वारे सैतान पुष्कळांना पापामध्ये मोहामध्ये पाडत आहे। ऑल द स्टुडंट्स स्पेशली ऑल द बिलीवर्स अँड सम वर्कर्स ऑल्सो दे आर गोइंग थ्रू द फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड मोबाइल। कई विश्वासी लोग, कई बच्चे जो विद्यार्थी है वे लोग, यहाँ तक कि कुछ हद तक कुछ सेवक लोग भी फेसबुक और व्हाट्सएप में फंदे में उलो फसे हुए। आणि आपण पाहतो की कित्येक विश्वासणारे, कित्येक लेखर, एवढेच नव्हे तर कित्येक सेवकगण सुद्धा फेसबुक व्हाट्सअप याच्या अधीन झाले आहे। दे विल गो ऑन चॅटिंग विथ द ईच अदर्स अँड फायनली फॉल इन सिन। एक दुसरे से बातचीत करते 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 अंत में पाप में गिर जाते। आणि एक दुसऱ्यांसमती संवाद करत 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 ते पापामध्ये पडतात। बिगिनिंग दे विल टॉक व्हेरी पोलाइटली अँड व्हेरी डिसेंटली विथ हम्बल हार्ट्स। शुरुआत में तो बातचीत बहुत ही नम्र रीति से, बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही आदरणीय रीति से तो होता है। आणि सुरुवात अशी की वार्ता आहे ती अतिशय नम्रतेची आणि अतिशय चांगल्या रीतीने त्याचा सुरुवात करतात। बट लास्टली द एंड इज दे आर फॉलिंग इन सिन। किंतु बातचीत बढ़ते बढ़ते अंत में पाप में गिर पड़ते। परंतु बोलत असता असता शेवट ते पापामध्ये पडतात। Malachi second chapter 14 and 15 verse says, Malachi ki kitab dusre adhyay ke 14-15 vachan kehta hai, Malachi dusra adhyay tacha 14-15 vachan asa mhanta, tumhi mhanta ase ka karan tujhya madhe va tujhya tarunyatya sthit madhe parmeshwar sakshi ahe ki tar tujhe sahakarni
deal treacherously against the wife. कोई भी अपने सहमनी के साथ अपने पति के साथ धोखा के साथ काम नहीं करना आई कोई ही अपने पत्नी बरोबर विश्वासघात करो ने Nowadays in the world so many wives and so many husbands and so many young people they are doing this type of the sin आज इस संसार में देखने के समय में अनेक पत्नियां अनेक पति अनेक जवान एक दूसरे के प्रति विश्वासघात पाप करते हुए देखने पाते हैं आज अपन पाते कि पुष्कर से पत्नी पुष्कर से पति पुष्कर से तरुण जन एक बेकान बरोबर अशा प्रकार का विश्वासघात पाप से करता है Men having their own wives, but same time keeping another girlfriends. मनुष्य के पास अपनी पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे साथी को या दोस्त को बनाए रखा हुआ एक माणसाकडे त्याच्या स्वतःची पत्नी असताना सुद्धा दुसऱ्या स्त्रीशी त्याचा संबंध असतो टू कपल केम्स टू आवर पास्टर हु डाइड सो दे केम अँड told that we have problems in our house. एक बार एक जोड़ा हमारे पास आए और पास्टर जी के पास इस प्रकार शिकायत की कि हमारे परिवार में कुछ समस्या है आणि एक विवाहित जोड़ा पास्टर जी कडे आला आणि त्यांना म्हणाले आमच्या पारिवारिक जीवनामध्ये थोड्या समस्या आहे That boy told that I have four girlfriends. My wife having the four boyfriends. और वो पति इस प्रकार पास्टर जी को शिकायत कर रहा है कि विवाहित जीवन के बावजूद भी मेरे और चार लड़की दोस्त है और उसी प्रकार मेरे पति के भी चार लड़के दोस्त है आणि तो सो पुरुष आहे त्या पास्टरांकडे अशी तक्रार करत आहे की लग्न झाला असताना सुद्धा माझ्या चार मैत्रिणी आहे आणि माझ्या पत्नीचे चार मित्र आहे Dear child of God, because of your friendship, you are hearing the voice of men and you are falling into the sin. परमेश्वर की प्रिय लोगों दोस्ती यानी के पीछे जाते जाते ही मनुष्य की आवाज सुनते सुनते आप इस प्रकार के पाप के फंदे में फंसते गिरते चले जा रहे हो तुम्ही मैत्री छ बोलण्याच्या मागे जात जात अशा प्रकारे वागणूक करता आणि अशा रीतीने तुम्ही पापामध्ये पडले जाता In one place a girl refused to chat a young man boy killed her और एक जगह में एक लड़की एक लड़के से बातचीत करने के लिए जब मनाही किया तो लड़के ने जा करके उस लड़की का हत्या कर दिया आणि एक ठिकाणी एका मुलीने एका मुलाशी बोलण्यासाठी तिने नाकारलं यासव त्या मुलाने जाऊन तिचा घात केला Dear child of God, don't make any friendship and destroy your life. भविष्य की प्रिय संतान इस प्रकार के किसी भी मित्र भाव को आप लोग ना बनाइए दोस्ती यारी ना कीजिए और अपने जीवन को निराश ना करो म्हणून यासव प्रिय जनांनो अशा प्रकारच्या कुठल्याही मैत्रिणी किंवा मित्र तुम्ही करू नका आणि तुमचा जीवाचा नाश करू When you see that some people are deceitful, chocolate and biryani and so many things they will give to them. और इस बात की हम लोग और एक बात को देखने पाते हैं कि कई लोग धोखा के साथ कई प्रकार का चॉकलेट कई प्रकार की बिरयानी ऐसे अन्य वस्तु को ला करके धोखा देते हैं अपन पाहतो की कई लोग धोखा देण्याकरिता चॉकलेट बिरयानी असे वेगवेगळे पदार्थ देतात Proverbs 23rd chapter 6th verse says Niti vachan 23 adhyay ke 6 vachan mein likha hai Niti sutra 23 6 vachanat asa likha hai Eat thou not the bread of him that hath an evil eye neither desire thou his lengthy meats Jo daan se dekhta hai uski roti na khana और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना दुष्ट दृष्टि मनुष्य के अन्न खाओ नको त्याच्या मिष्टान्नाची इच्छा करू नको Nowadays so many people doing the witchcraft in the food only आज कई लोगों को भोजन वस्तु में जादू टोना करते हुए देखने पाते आज काही लोक जे जादू टोना करतात ते खाण्याचा पदार्थ करतात In second about one young man he studied well and he was a topper in the college सिकंदराबाद में एक जवान लड़का है जो अपने कॉलेज में प्रथम स्थान या प्रथम श्रेणी में हमेशा रहता है और वो अपनी पढ़ाई को करता है सिकंदराबाद या ठिकाणी एक मुलगा चांगला शिक्षण करतो त्याच्या कॉलेज मध्ये तो प्रथम स्थानी येतो His friends with love only, with the love only gave the sweet and he ate.
और उसके दोस्तों ने बड़े प्यार से उसको मीठा दिया और इस बच्चे ने उस मीठे को खा लिया। त्याच्या मित्रांनी त्यांना मोठ्या प्रेमाने एक काहीतरी गोड पदार्थ दिलं, जास्त त्यांनी सेवन केलं। After that he fell in the sick and boil came like a Job and he suffered and died. और उसके बाद उसके शरीर में बीमारी आया, अय्यूब के मालिक के शरीर में फोड़े हुए, फोड़े बढ़ते चला गया, बढ़ता चला गया और वो चल बसा। आणि आपण पाहतो त्या लेखकाला आजार झाला, इयोबाप्रमाणे त्याच्या शरीरामध्ये फोडे आले, फोडे येऊन त्रासला आणि आपण पाहतो तो ते त्याचा प्राण सोडून गेला। या चेंडव गोडी द लास्ट डेज यू मस्ट बी व्हेरी केअरफुल deceitful food, deceitful drinks giving to the people to kill them and destroy their life. परमेश्वर के प्रिय लोगों अंतिम दिनों में आप बहुत ही सावधान रहिए, धोखे के साथ खाने पीने की वस्तुओं को देख करके आपको भी नाश करने के लिए कई लोग प्रयत्न प्रयास करेंगे। प्रिय लोकानो या शेवटच्या दिवसामध्ये तुम्ही सावधान रीतीने रहा, तुम्हाला धोक्याने खाण्याच्या पदार्थामध्ये काही मिश्रण ते देतील तुमचा नाश करण्याकरिता। डोंट हिअर देअर वॉइस, डोंट हिअर देअर लविंग वॉइस, उनकी प्रेम से भरा हुआ चिकनी चुपनी बातों की ओर ध्यान न देना, त्यांची गोड व लागवी भाषेकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका। वन डे वन बॉय गोइंग ऑन लविंग समबडी बट शी इज डिनाइड टू हिम। और एक लड़का एक लड़की को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन ये लड़की ने उसे मना कर दिया, इनकार कर। आणि एक पोरगा एका पोरीवरती प्रेम करत होता, परंतु त्या मुलीने त्याला नाकारलं। He took a mobile photo and blackmailing her. और उसने उसके मोबाइल का फोटो लिया और उसको वो ब्लॅकमेल करणे लागला। आणि त्याने तिचा मोबाईल मध्ये एक फोटो घेतला आणि तिला तो ब्लॅकमेल करू लागला। Dear children of God, nowadays so many people they are taking the photos and blackmailing so many young people. परमेश्वर के प्रिय लोगों इन दिनों में बहुत सारे लोग इस प्रकार के छवि को लेते हुए अनेकों को ब्लैकमेल करते हुए हम लोग देखने पाते हैं। प्रिय अन्नो आजकल अशा कितीतरी लोक लोकांचे चित्र घेतात आणि त्यांचा ते ब्लॅकमेल करतात। When you read the Isaiah second chapter 22 verse, यशया उसकी दुसरे अध्याय के 22 वचन को जब हम पढ़ेंगे, यशयाचं पुस्तक त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 22वं वचन, Isaiah second chapter 22 यशया अध्याय दो वचन 22, यशया दूसरा अध्याय वचन 22, सीज ही फ्रॉम मैन हूज ब्रेथ इज इन हिज नॉस्ट्रिल फॉर वेरिन इज ही टू बी काउंटेड ऑफ। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिनकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। मनुष्याचे नावच घेऊ नको, त्याचा श्वास त्याचा नाक पुढ्यात आहे, त्याला काय जमेस धरावायचे आहे। डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सो मेनी रिलेटिव्स ओनली डूइंग द विचक्राफ्ट अगेंस्ट देअर ओन पीपल एंड डिस्ट्रॉइंग देअर लाइव्स। इन दिनों में अपने परिवार के कई लोग ही एक दूसरे के विरोध में जादू न करते हुए उनके जीवन को भी नाश कर रहे हैं। आणि आज आपण पाहतो कुटुंबातले काही लोक एकमेकांविरोधामध्ये जादू तो न करतात, त्यांचा जीवाचा ते नाश करतात। इन द वर्ल्ड वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स, डोंट बिलीव द मॅन्स वॉइस। इस प्रकार की बातें इन दिनों में संसार में हम देखने पाते हैं, इसके लिए मनुष्य की बातों की ओर ध्यान न देना, विश्वास न करना। जगामध्ये अशा सर्व गोष्टी आपण पाहत आहे, याकरिता मनुष्याच्या बोलण्याकडे लागवी बोलण्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका। When we go through the Bible, who are deceived by the man's voice? हम लोग धर्मशास्त्र में देखने के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने पाते हैं जो मनुष्य के द्वारा धोखा पाए। शास्त्र मध्ये आपण असे कित्येक उदाहरण पाहतो ज्यांना मनुष्याच्या बोलण्याद्वारे धोखा झाला। Third chapter 6 verse says, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 के 6 वचन में, उत्पत्ति पुस्तक तीसरा अध्याय तथा 7वां वचन, He already heard the voice of the devil and fallen and he brought him one fruit and gave to the Adam. हवा पहले से शैतान की आवाज को सुनती है और उसके द्वारा वो फल को प्रेरित करके खा लेती है और उसके बाद वो फल को लेकर के आदम के पास लेकर के जाती है। हवा ने शैतानाची वाणी ऐकून ते फल घेतलं, ते फल सेवन केलं, ते फल सेवन केल्यानंतर ती आदमाकडे ते फल ठेवली। Adam believed his wife. और आदम ने अपनी पत्नी हवा को विश्वास किया। आदम ने अपनी पत्नी हवे पर विश्वास ठेवला। After that
that he ate that fruit and disobeyed the commandment of the Father God's voice and he died in the spirit. और परमेश्वर के प्रिय लोगों इसी से आदम ने अपने पति की आवाज सुनने के कारण उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया पाप में वो मर गया। आणि आपण पाहतो आदमाने त्याच्या स्त्रीचं बोलणं ऐकून ते फळ खाल्लं त्याप्रमाणे त्याने परमेश्वराने दिलेल्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं आणि ते मेले आध्यात्मिक रीतीने त्यांचं मरण झालं। सेकंडली वी आर सीइंग अबाउट द ईशाव और दूसरा एसाव को हम देखने पाते हैं। दूसरा एसावा विषय पातो जेनेसिस 25 चैप्टर 32 एंड 33 25 उत्पत्ति किताब 25 के अध्याय के 32 33 वचन में अनि उत्पत्ति 25 से 32 अनि 33 वचन एंड एसाव सेड बिहोल्ड आई एम एट द पॉइंट ऑफ डाई एंड व्हाट प्रॉफिट शैल हिज बर्थराइट डू टू मी एंड जेकब सेड स्वेयर टू मी this day and he swore unto him utpatti kitab 25 adhyay ke 32 aur 33 vachan esav ne kaha dekh main to bhi marne par hu isse pehlote ke adhikar se mera kya labh hoga aur yakub ne kaha mujhse abhi shapat ka atha usne apne shapat ka hi aur apna pehlote ka adhikar yakub ke haath bech dala esav manala he paha मी मरण मुक्त झालो आहे मला आपल्या ज्येष्ठत्वाचा हक्काचा काय उपयोग याकोब म्हणाला तर आताच्या आता माझ्याशी शपथ पा तेव्हा त्याने शपथ पाहिली आपल्या ज्येष्ठत्वाचा हक्क याकोबास मोबदल्यामध्ये दिला। Jacob deceived his own brother with his deceitful words. और याकूब ने अपने भाई को धोखे की बातों से अपने भाई को उसने धोखा दे दिया। याकूब ने अपने भावला धोखेचा बोलण्याने त्याला धोखा दिला। Our own people will deceive us. Don't forget that. हम इस बात को कभी ना भूले कई बार हमारे अपने ही लोग हमें धोखा देंगे। या गोष्टीला आपल्याला विसर नसो की आपले लोक आपल्याला बोलण्याने धोखा देईल। Seeing about the Samson. और तीसरे स्थान में शिमशोन को देखने पाते हैं। तीसरे ठिकाणी शिमशोन विषय अपन पाहतो। Judges 16 chapter 16 verse says. न्याय की किताब अध्याय 16 वचन 16 कहता है। शास्त्र पुस्तक 16 अध्याय का 16 वचन। Delilah says she pressed him daily with her words. और वहां पर लिखा है कि दलीला ने अपने शब्दों से बार बार हद किया जिद्दी किया उसके ऊपर दबाव डाला। तो दलीला ने तिला वारंवार त्याच्याशी बोलू लागली आणि त्यांनी त्याच्यावरती दबाव टाकला। That time he vexed unto death, his soul vexed unto the death. और उस समय वो उसका जीवन एक मृत्यु के वेदना में दिखाई दे रहा आणि त्याच्यामुळे आपण पाहतो त्याचं जीवन मृत्यूच्या वेदनेत होतं। Dear child of God, this is happening nowadays in the world. इस संसार में इस प्रकार की बातों को होते हुए हम इन दिनों में देखने पाते हैं। जगामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडत असताना आज आपण हे पाहतो। So many wives and husbands, so many young people, they going on chatting in mobile. Lastly, because of their words, they vex unto death. और कई लोग इसी प्रकार उन लोगों मोबाइल फोन में कंटिन्यूस बातें करने के कारण चैटिंग करते करते रहने के कारण आखिरी में उनके नाक में दम हो जाता है। आणि आपण पाहतो की मोबाइल मध्ये वारंवार ते एकमेकांशी बोलतात आणि हे बोलणं जास्त झाल्यानंतर त्यांच्या नाकपुड्यामध्ये दमी घुटून येतो। So many people they destroy themselves and they suicide also. इस प्रकार की परिस्थिति में कई लोग आत्महत्या कर बैठते हैं कई लोग मर मिटते हैं। आणि अशा प्रकारे काही लोक आत्महत्या करतात आणि त्यांचा जीव संपवतात। When we read the first Kings 13 chapter 18 verse. सर्व पहला राजा 13 अध्याय के 18 वचन को पढ़ते हैं। पहले राजे त्याचा 13 अध्याय 18 वचन पाहतो। First Kings 13 chapter 18 verse says. पहला राजा 13 अध्याय के 18 वचन कहता है। पहले राजा 13 18 मध्ये असं पाहतो। He said unto him, I am a prophet also. और उसने उसे कहा कि देख जैसा तू नबी है वैसा मैं भी एक नबी हूँ। तेव्हा तो त्यास म्हणाला मी तुझ्या सरकार एक संदेशा आहे। And angels spake unto me by the word of the Lord. और मुझे दूत ने यहोवा के वचन आकर के कहा। परमेश्वराच्या आज्ञेवरून एक दूताने मला म्हणाला। But that old prophet deceived a young prophet. लेकिन वहां पर घटनाक्रम को देखने के समय में एक बूढ़ा भविष्यवक्ता ने एक जवान भविष्यवक्ता को धोखा दिया। परंतु तिथे घटना पाहत असताना आपल्याला कळतं
एक वृद्ध संदेशा ने एक तरुण संदेशा धोखा दिला। God told to the young man not to go to anywhere, you have to go to straight। परमेश्वर ने उस नबी को यह कहकर की आज्ञा दिया था कि तू इस मार्ग में कहीं पर भी ठहरना नहीं, तू इसी रास्ते में निकल करके चले जाना। आणि परमेश्वराने त्या संदेशाला सांगितलं होतं, तुझ्या मार्गामध्ये इकडे तिकडे किंवा कुठे थांबू नको, तू सरळ निघून जा। But he denied, he disobeyed the voice of God and he went along with the old prophet and he ate and drank. After that he killed by line. लेकिन ये भविष्यता जाने के रास्ते में एक बूढ़ा दूसरा भविष्यता आकर के उसको धोखा देकर के अपने घर में ले गया और उसने आज्ञा उल्लंघन किया, उसके घर में बैठ करके खाया पिया और जब यात्रा में आगे बढ़ा तो जाने के रास्ते में एक सिंह ने उस भविष्यता को मार दिया। तो या सिंहाने या संदेशा ने आज्ञाचं उल्लंघन केलं, त्या वृद्ध संदेशा बरोबर जाऊन त्यांनी खाणं पिणं केलं, खाऊन पिऊन सगळं तो पुढे निघाला, त्याच्या प्रवासामध्ये एका सिंहाने त्याला फाडून खाल्लं। I am giving the suggestion to all the believers, very careful. So many workers are in the world, they will call you, they will say that God told me like that and deceive you, lastly will destroy your own life. एक सलाह में सारे विश्वासियों को देने जा रहा हूँ, अनेक प्रकार के सेवक लोग इस संसार में है, वे आकर के इस प्रकार कहेंगे कि परमेश्वर ने भी कहना भेजा है और आप उनकी बातों को सुनकर उनके पीछे जाने से आखिर में धोखा ही पाओगे, धोखा ही खाओगे। आज भी तुम सर्व विश्वासदारांना चेतावणी ही गोष्ट सांगत आहे कि कित्येक सेवक जर तुमच्याकडे येतील, ते तुम्हाला म्हणतील की परमेश्वराकडून मला ही गोष्ट तुझकरिता प्राप्त झाली, तुम्ही त्या गोष्टी ऐकून त्यांच्या मागे जाऊ नका, तुम्हाला शेवट धोका मिळेल। ऑल द वर्कर्स ऑल्सो व्हेरी केअरफुल अबाउट द senior workers, if they won't tell in the spirit, you have to judge righteously, rightly. उसी प्रकार सारे सेवक लोग भी अपने जीवन को अच्छे से परख करके देखे, जब एक वरिष्ठ सेवक आपसे कुछ बातें कहता है आत्मा में उसको परख करके देखना कि क्या वो सही है या नहीं। या सब सेवकांनी पण या गोष्टी पारखून पाहाव्या, वरिष्ठ सेवकांनी जर तुम्हाला कोणती गोष्ट बोलली तर आत्म्यामध्ये त्याचं परीक्षण तुम्ही करा। But you have to obey the leaders according their leading. और उसी समय में आपकी अगुवाई करता, जिस रीति से आपको अगुवाई करते हैं आप उसकी आज्ञाकारी होना है। परंतु त्या समय तुमचे मार्गदर्शन करणारे जे मार्गदर्शक आहे त्यांच्या आज्ञेचं तुम्ही पालन करावं। Genesis 27 chapter 22 verses. और उत्पत्ति किताब के 27वें अध्याय के 22 वचन में, आणि उत्पत्ति 27वा अध्याय 22वा वचन, Isaac says that the voice is a Jacob's voice but the hands are the hands of Esau. और वहां पर इसाक ने इस प्रकार कहा कि तेरी आवाज सुनने से तो याकूब की मानिंद सुनाई देता है, लेकिन तेरे हाथ को छूने से तू एसाव की मानिंद दिखाई दे रहा। अनुचिता तो मन तो वाणी तर याकूबाची, पण हाथ तुझे स्पर्श केले तर एसावासारखे ते लागत आहे। So many parents, so many elders, they may be blind but they are deceived by so many people. और कई माता पिता, कई अभिभावक लोग, कई बड़े बुजुर्ग लोग, जब उनकी आंखों की रोशनी चले जाता है कईयों के द्वारा वे लोग इस रीति से धोखा पाते हैं। आणि आपण पाहतो काही जण आहे, काही वृद्ध लोक आहे, जेव्हा त्यांच्या नेत्रांची दृष्टी मंदावते तेव्हा पुष्कळांद्वारे त्यांना धोका देण्यात येतो। That's why we have to come to our Lord Jesus Christ. यही कारण आहे की हमें चाहिए हमारी हे येशू मसीह के पास समान। आणि आज तर आपण एक काम करावं, आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताजवळ यावं। John 10 chapter 27 verse says, समाचार अध्याय 10 के 27 वचन में लिखा है, योहान 10 अध्याय 27 वचनात लिहिला आहे, My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेंगे, माझी मेंढर माझी वाणी ऐकतात, I know them and they follow me. वे मेरी आवाज को जानती और वो मेरे पीछे हो लेती है, मी ते माझी आवाज ओळखतात आणि माझा माफ मागते येतात। Tonight what Lord Jesus Christ said, आज आजची रात्र येशू मसीह क्या कह रहा है, आजची रात्र प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणतो। Mark 1 chapter 15 verses, मार्क सुसमाचार अध्याय 1 का 15 वचन में, मार्क पुस्तक पहिला अध्याय 15 वचन, This is the voice of the Lord Jesus, ये प्रभू येशू मसीह की वाणी, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे वाणी आहे, And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है,
मत फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। काळाची पूर्णता झाली आहे व देवाचे राज्य जवळ आले आहे। पश्चाताप करा व सुवार्तेवरती विश्वास ठेवा। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड एवरीथिंग गोइंग टू एंड नाउ। You have to repent and come to the Lord Jesus Christ and save your soul. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कहा है वचन के अनुसार ही इस संसार में सारी बातें घटने जा रही है। आपके बचाव के लिए चाहिए कि मत फिराओ और परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान दो। प्रिय निवासा लेखनो देवाच्या वचना अनुसार या जगामध्ये सर्व काही गोष्टी समाप्तीवर आलेल्या आहेत। Jesus said unto him, I am the way and the truth and the life. योहान जीसू समाचार 14 अध्याय के 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हो। योहानाचं पुस्तक त्याचा 14 अध्याय 6 वचनामध्ये येशू म्हणतो, मार्ग सत्य व जीवन मीच आहे। नो मॅन कॅन कम अनटू द फादर बट बाय मी। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। माझ्या द्वारे आल्या वसून पित्याकडे कोणीही येत नाही। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट इज द वे to go to the heavenly place. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने के लिए यीशु ही वो मार्ग है। प्रिय लोकांनो, स्वर्गीय स्थान मध्ये पोहोचण्याकरिता प्रभु येशु ख्रिस्त हा केवळ मार्ग आहे। He died on the cross and shed his precious blood for mankind. और उसने कलवरी क्रूस पे अपने प्राण को दिया और सारे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहा दिया। वधस्तंभावरती त्याने अपना प्राण अर्पिला। John 5 chapter 24th verses. योहान जीसू समाचार के 5 अध्याय के 24 वचन में। योहानाचं पुस्तक त्याचा 5 अध्याय वचन 24। Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मी तुम्हाला कचित कचित सांगतो, जो माझे वचन ऐकतो आणि त्याने आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे आणि त्याच्यावरती न्यायाचा प्रसंग येणार नाही। But he is passed from death unto life. परंतु मृत्यू से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु तो मृत्यू पासून जीवनामध्ये पार गेला आहे। After that we have to hear the voice of Lord Jesus and according to the word of God we have to take the water baptism. इसके पश्चात हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हुए पानी के बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण करें। त्यानंतर प्रभु यीशुच्या वाणीकडे आपण कान द्यावं व पाण्याच्या बपतिस्मेकरिता आपण समर्पण करावं। Lord Jesus told to John the Baptist to be so now, for thus is becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. और प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने वाले योहन्ना को देखकर किस प्रकार कहा, ऐसा ही होने दे क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता के कामों को पूरा करना उचित है। बपतिस्मा देने वाला योहन्ना कडे पाहून येशु ख्रिस्त म्हणाला, या सर्व गोष्टी अशाच प्रकारे होऊ दे कारण का अशाच प्रकारे होणं उचित आहे। After that you have to receive the Holy Spirit. इसके पश्चात हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हो पाए। त्याच्या नंतर आपल्याला आवश्यकता आहे ती मच्छे पवित्र आत्म्याची। John 4 chapter 24th verse says, योहन्ना जीसू समाचार अध्याय 4 वचन 24 कहता है, योहन्ना 4 त्याचं 24वं वचन, God is a spirit and they that worship him must worship him in the spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। देव आत्मा है आणि त्याची उपासना उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे। One more word Lord Jesus Christ told. एक और बात प्रभु येशू मसीह ने कहा। अजून एकदा प्रभु येशू ख्रिस्त म्हणाला। John 7 chapter 38 verse, you have to receive, believe the Lord Jesus Christ and receive the Holy Spirit.
योना की सुसमाचार सातवें अध्याय के 38 वचन में यीशु ने कहा कि यीशु मसीह को विश्वास करते हुए आप उस पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। योना सातवा अध्याय 38 वचन मध्ये प्रभु यीशु ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हणतो आपण त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा व पवित्र आत्मा प्राप्त करावा। प्रवेश करने के लिए प्रयास करो, अरुंद दरवाजा तो नाच जाण्यासाठी तुम्ही यत्न करा। फॉर मेनी आय से अनटु यू विल सीक टू एंटर इन एंड शैल नॉट बी एबल, क्योंकि कई लोग उसमें प्रवेश करने के चाहेंगे पर ना कर सकेंगे। पुष्कळ लोक आज जाण्यास पाहतील परंतु त्यांना जाता येणार नाही। क्रिश्चियन लाइफ इज अ नॅरो वे, मसीही जीवन एक संकीर्ण मार्ग आहे आणि ख्रिस्ती जीवन म्हणजे अरुंद मार्ग आहे। या चेन ऑफ गॉड यू हैव टू स्ट्राइव इन थ्रू दैट गेट। क्रिश्चियन मार्ग में इस द्वार में प्रवेश करने के लिए आपको यत्न आपको प्रयत्न करना है आणि या द्वारातून आज जाण्याकरिता या मार्गातून पुढे जाण्याकरिता तुम्हाला परिकाष्ठा करावा लागेल। अगर आप इस संकीर्ण द्वार में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप ईश्वर की आवाज को सुने। आनंद मार्ग तुमसे तुम्हारा आज जायता से तो तुम्हें एक गोष्ट करावी ती म्हणजे देवाची वाणी तुम्ही ऐकणे। आई सेज दैट वन वॉइस कमिंग फ्रॉम behind this is the way you have to go through. Yes, sir, yeah, bhavishya mein is prakar kehta hai ki ek awaz maine piche se suna maag yahi hai isi pe tum chalo. Yes, sir, yeah, sandesh sa samantho ki kaisa maag hote na ek vani ashi aiko ali has to maag hi tum tu phadega. That's why Hebrews 3 chapter 7 and 8 verse says. Yehi karan chimrani ki patri tisre adhyay ke 7 aur 8 vachan mein. Ki astavai prikras patra tisra adhyay 7 ani 8 vachan. Hebrews 3 chapter 7 and 8. Imrani ki patri adhyay 3 vachan 7 aur 8. Prikras patra tisra adhyay vachan 7 ani 8. Kya varun pavitra atma manto? Kya pramane aaj jar tumhi tyachi vani aikal tar ranatil parikshecha divshi Israel lokani chid angi होती तशी तुम्ही आपली मने कठिन करू नका। सुचे सर पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। Whatever Holy Spirit says, if you obey that voice, you will save your soul. जो भी कोई पवित्र आत्मा आपसे कहता है अगर आप उसके आज्ञाकारी होंगे तो आपका प्राण बच जाएगा। पवित्र आत्मा म्हणतो त्याच्या आज्ञेचं तुम्ही पालन केले असता तुमचा प्राण वाचला जाईल। अवर गॉड इज अ लिव्हिंग गॉड, हमारा परमेश्वर जीवित ईश्वर, आपला परमेश्वर जिवंत देव आहे। गॉड इज वन अँड ऑल पीपल आर वर्शिपिंग गॉड, एक परमेश्वर आहे सर्व ईश्वर को आराधना करते, एकच परमेश्वर व सर्वजण त्याची उपासना करतात। अवर गॉड इज अ लाइव गॉड, ही विल स्पीक विथ यू डेली, हमारा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है प्रतिदिन वो आपसे बात करेगा। अपना परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है दर रोज तो तुम्हारा बरोबर बोली। एवरी इवनिंग कूल ऑफ द डे लॉर्ड कम डाउन फ्रॉम हेवन एंड स्पीक विद द एडम, हर एक दिन दिन के ठंडे समय में प्रभु परमेश्वर उतर करके आदम से बातचीत किया करता था। प्रति दिवस दिवसाच्या शुळोपाच्या वेळी परमेश्वर खाली येऊन आदमा बरोबर बोलत होता। सो मेनी इन ओल्ड टेस्टमेंट डेज सो मेनी सेंट्स अँड प्रॉफेट्स अँड किंग्स लाइक डेव्हिड ऑल हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। पुरातन समय में पुरातन काल के दिनों में बहुत सारे परमेश्वर के संत लोग भविष्यता लोग राजा दाऊद के समान कई राजा लोग ईश्वर की आवाज को साक्षात सुना। जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो कित्येक संतगण कित्येक संदेश दाविद राजा सारखे कित्येक राजांनी परमेश्वराची वाणी हुबेहूब ऐकली। बट सम ऑफ द पीपल ऑफ गॉड एंड इस्राएलाइट्स दे हार्डन देयर हार्ट्स, लेकिन कुछ परमेश्वर के लोग इस्राएल के संतानों में से कुछ लोगों ने अपने हृदय को ईश्वर की आवाज के प्रति कठिन कर दिया। परंतु देवाचे लोक म्हणल्याने इस्राएल लोकांमधून काही लोकांनी देवाच्या वाणी करिता आपलं अंतःकरण कठीण केले। गॉड विल स्पीक इन डिफरंट वेज, परमेश्वर
परमेश्वर अलग अलग रीति से बातें करेगा, परमेश्वर निर्निराया रीति ने बोलतो। But so many times we are not understanding, but we are hard in our hearts. कई बार परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाते, किंतु हम उसके विपरीत हमारे हृदय को कठिन कर बैठते। कभी कभी अपन देवासी मानी ओळखून घेतना है, परंतु त्याचा विरोध अपन आपला हृदय कठिन करतो। The voice of the Lord is like a thunder. परमेश्वर की आवाज एक बिजली के खड़कने के समान। आणि परमेश्वराची वाणी वीज जशी कडकते कडकते तशी आहे। The voice of the Lord is a powerful. परमेश्वर की आवाज सामर्थी है। परमेश्वराची वाणी सामर्थ्यशाली आहे। The voice of the Lord full of the majesty. परमेश्वर की आवाज सारे प्रताप से भरा हुआ। परमेश्वराची वाणी प्रतापशाली आहे। When you go and read the Psalm 29, 3-9 and 11th verse. परमेश्वर की दा 29:3-9 and 11 वचन को अगर आप पढ़ सके देखोगे। स्तोत्र संहिता 29:3-9 वचन पर तुम्हें बात लिया। There we are seeing that how God's voice. वहां पर ईश्वर की आवाज कैसा है आपको वहां पर पढ़ने से पता चलेगा। ईश्वर की वाणी कशा प्रकार आहे त्या ठिकाणी बसलेले तुम्हाला कळून येईल। That's why we have to understand his voice and obey his voice. इसी के लिए हमें चाहिए कि उसकी आवाज को सुने समझे और उसकी पालन करे। वास्तव आपण त्याची वाणी ऐकावी ती समजून घ्यावी त्या अनुसार आपण पालन करावं। Now in the Old Testament period, how God spoken through his voice. और अब हम देखेंगे कि पुरातन नियम में किस रीति से परमेश्वर ने लोगों से बातें की। सुनना करारा मध्य अपन पाहूया परमेश्वर ने लोकांशी कसा बोलला। First of all we are seeing, सबसे पहले सर्वात प्रथम There we are seeing that out of the mountain God spoken with them. परमेश्वर पुरातन नियम में पहाड़ के ऊपर से या पर्वत के ऊपर से लोगों से बातें किया। सुन्या करारामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वर पर्वताच्या टोकावरती जाऊन तो मनुष्याशी बोलत होता। Exodus 19 chapter 3 verse says. निर्गमन की किताब अध्याय 19 वचन 3 में लिखा। आणि निर्गमाचं पुस्तक 19वा अध्याय त्याचं 30वं वचन। And Moses went up unto God and the Lord called unto him out of the mountain. तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत से उसे पुकार कर कहा। तेव्हा मूसे देवाकडे वळ केला आणि परमेश्वराने त्याला पर्वतावरती हाक मारून सांगितले। He spoken with the Moses all the commandments and statutes towards the children of Israel. और परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के शिखर के ऊपर सारी व्यवस्था को विधियों को जो इज़राइलियों के निमित्त होना चाहिए बता करके दिया। परमेश्वर ने मूसा पर्वताच्या वरती बोलून इस्राएल लोकांकरिता असणारे सर्व नियम सर्व कानून त्यांनी त्याला दिले। Dear children of God, how can God speak with you? परमेश्वर की प्रिय लोगों आपसे परमेश्वर कैसे बात करे। प्रिय देवाच्या मित्रांनो परमेश्वर तुझ्याशी कसा बोलणार। माउंटेन मीन्स प्रेयर लाइफ। ये पर्वत का अनुभव होने से प्रार्थना का अनुभव है। पर्वत म्हटल्याने प्रार्थनेचा अनुभव दर्शवत। लूक 6 चैप्टर 12 वर्सेस सुसमाचार अध्याय 6:12 कहता है। लुकाचं पुस्तक 6:12 म्हणतं। And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray. और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। आणि त्या दिवसामध्ये एक डोंगरावरती प्रार्थना करण्याकरिता गेला। And continued all night in prayer to God. ओ परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आणि परमेश्वर असंगी प्रार्थना करण्याकरिता अख्खी रात्र त्यांनी घालवली। Dear child of God, through prayer life only you can hear the voice of God. परमेश्वर की प्रिय संतान प्रार्थना में जीवन के द्वारा ही आप ईश्वर की आवाज या उसकी वाणी सुनने पाओ। प्रिय देवाचा मित्रांनो प्रार्थनेमय जीवनाच्या द्वारे परमेश्वराची वाणी त्याचा आवाज तुम्हाला ऐकण्यासाठी येईल। What is the relation between God and us? हमारे और परमेश्वर बीच में क्या संबंध है? तुम परमेश्वरामध्ये अपनामध्ये काय संबंध आहे? What type of the relation we have with our God? हमारे परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध है? आणि आपल्या परमेश्वराबरोबर आपला संबंध तो काय? The relationship between the son and father. एक पिता एक पुत्र के बीच का संबंध ही हमारा परमेश्वर के साथ संबंध। जसे एका पित्याचं त्याच्या मुलाबरोबर नातं असतं त्याप्रमाणे आपलं नातं आपल्या परमेश्वराबरोबर आहे। सेकंडली
the relationship between the wife and husband. दूसरे रीति में देखने के समय में एक पति पत्नी के मध्य में जिस प्रकार का संबंध वैसे ही हमारे ईश्वर के साथ हमारा नाता दूसरा अपन पाहतो जसे पति व पत्नी मध्ये त्यांचा नाता असता त्याचप्रमाणे आपलं नातं परमेश्वराबरोबर आहे. Relationship between the king and people. Tisra, ek raja aur praja ke madhye mein jis prakar ka sambandh, ek vaisa hi sambandh hamare Ishwar ke saath hamara. Ani tisra matlab hai jaise ek raja sabse acha lokan se nata asta, kya pramane apne parmeshwar barabar apne nata hai. Dear children of God, we are not stranger to our God. We are not far away from our God. We are very close relative with our God in prayer life. Parmeshwar ke priyo हमारे ईश्वर के लिए हम लोग परदेशी नहीं, हमारे ईश्वर परमेश्वर के लिए दूरवासी नहीं, किंतु हम प्रार्थना में जीवन के द्वारा हम बहुत ही समीप, हम ईश्वर के बहुत ही नजदीक है. प्रिय पर परमेश्वर बराबर दूर सुने परमेश्वर अपन लाव गए सुने, परंतु अपन अपने प्रार्थना में जीवना द्वारे अपन परमेश्वर अवधि समीप असाव. ऑल द ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स स्पेशली Moses and David and all other saints, they spoken with God and hear the voice of God. पुरातनीन के बहुत सारे संत विशेष करके मूसा और दाऊद के समान अनेक लोग परमेश्वर से भूखा मुख सीधे बातें किया करते थे. सुनिया करना मजे दाऊद राजा प्रमाणे मोशे प्रमाणे अपन ऐसे अनेक लोग पाहतो जनी परमेश्वर समोर 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 ने कशी तरी संवाद केला. If God spoken with the Old Testament saints, why not spoken with you and me. अगर पुरातन नियम के लोगों के साथ परमेश्वर ने बातें की हो तो आपको और मेरे साथ परमेश्वर चूला बात करेगा. सुनिया करें अच्छा लोग काम बराबर गति वाणी अच्छा प्रकार वार्ता के लिए तो आज दूसरा बराबर बादशाह बराबर तो काम नहीं बोलना. Secondly, in Old Testament days, God will speak with the people of God from the door of the tabernacle. पुरातन नियम में लेखने के समय में परमेश्वर कहां से कैसे बातें करता है देखने के समय में तंबू के द्वार से परमेश्वर लोगों से आलाप करता था. शून्य करार मध्ये आपण पाहतो परमेश्वर लोकांसोबत कुठून बोलत होता तर त्या तंबूच्या द्वारापासून लोकांबरोबर तो वार्ता करत होता. Exodus 29 chapter 42 verse. 29 नीति वचन निर्गमन की किताब 29 के 42 वचन को पढ़ने के समय में निर्गमन 29 42 This shall be a continual burnt offering throughout your generation at the door of the tabernacle of the congregation. तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिला पड़े तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे. दर्शन मंडपाच्या दाराशी परमेश्वर समोर तुम्ही पीढ्या पीढ्या अशा प्रकारे होम अर्पण नित्य अर्पावे. The God says that where I will meet you to speak there unto thee. और परमेश्वर उससे कहता है कि उस स्थान जिससे तुम लोगों से इसकी मिला करूंगा और वहां से मैं बातें करूं. या सरी तुझाशी बोलण्यासाठी मी तुम्हाला भेटेन असं परमेश्वर म्हणतो. Door of the tabernacle, what it shows. मिलापले तंबू का द्वार क्या दिखाता है. दर्शन मंडपाचं द्वार काय दर्शवतं. Assembly of church. और ये कलीसिया को दिखाता है. परमेश्वराची मंडळी दर्शवतं. By the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करने वाले लोग परमेश्वर अच्छा वचन द्वारा बोलने कैसे लोग. We are children of God. Every convention, every Sunday meeting, God was speaking with you. परमेश्वर के प्रिय लोगों हर एक सम्मेलन में हर एक रविवार की आराधना में परमेश्वर सभा में वचन के द्वारा आपसे बातें करता है. प्रिय लोगों प्रत्येक सम्मेलन मध्ये प्रत्येक शब्द दिवसी सभे मध्ये परमेश्वर त्याच्या लोकांबरोबर त्याच्या वचनाद्वारे बोलतो. The word of God will speak with you continually every day, every moment. परमेश्वर का वचन लगातार निरंतर आपके साथ बातें करते रहेगा. देवाचं वचन सर्वदा व सर्व काळ तुमच्याशी बोलत राहील. Specially you have to read the word of God day and night, that will speak with you. विशेष करके दिनों रात परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है तब परमेश्वर आपसे बात करेगा. या सब दिवस आणि रात्र तुम्ही देवाचं वचन वाचन कराव ठेवा तो तुमच्याशी बोले. God will speak with the in the Old Testament there midst of the two cherubims. और तीसरे स्थान में देखने के समय में करूबों के मध्य में रहते हुए परमेश्वर
परमेश्वर पुरातन नियम में लोगों से बात किया करता था। तीसरा पॉइंट था तो करुमांशा मदी असुन परमेश्वर जैसा लोकांशी बोलत होता। Exodus 25 chapter 22 verse says और निर्गमन की किताब के 25वें अध्याय के 22वें वचन में निर्गमन से पुस्तक 25वां अध्याय 22वां वचन and there I will meet with thee and I will commune with thee from above the mercy seat from between the two cherubim और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इज़राइल की जितनी आज्ञाएं तुझको देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे मैं तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। All the things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. इज़राइलियों की जितनी भी आज्ञा मुझे देनी इसराइलों का राजा आज्ञा हमारा अध्यक्ष है। What it means? क्या है? God speak through servants of God. और इस दो कर्मों के मध्य से आज्ञा देने वाला परमेश्वर की बातें करने का अर्थ परमेश्वर सेवकों के द्वारा हमसे बातें करे। तो कर्मों में तो परमेश्वर बोलने का अर्थ परमेश्वर ने ना संत ग्रहण द्वारे अपना सी बोल दो। Humans means it is comparable to the servants of God. यहाँ पर कर्मी लोग जो है वो संतों के साथ या सेवकों के साथ तुलनात्मक रीति में दर्शाया गया। What is the fourth one? Midst of the throne God will speak. पुरातनों में परमेश्वर सिंहासन से बातें किया करता था। In the New Testament God will speak to the apostle. नए नियम में परमेश्वर प्रेरितों के माध्यम से बातें करेगा। Now fourth one we are meditating about the midst of the throne, Revelation 4 chapter 5th verse. प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 के 5 वचन में सिंहासन के मध्य से देखो वो बातें करता है। प्रकटीकरण 4 अध्याय 5वां वचन में अपन पहातो की पहा राजा सनाचा इतों तो अपना सी बोलतो। And out of the throne proceeded lightning and thunders and voice. और उस सिंहासन में से भिष्मिया और गर्जने निकलती है और सिंहासन के सामने आग और दीपक जल रहे हैं और वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। राजसनाचा तुन भीषा वाणी अनि मेघ गर्जना निकट होत्या। And there were seven lamps of fire burning before the throne. और सिंहासन के सामने आग से सात दीपक जल रहे हैं। अनि अपन भातो पेटलेल्या सात मशाली राजसना पुढे जळत होत्या। Which are the seven spirits of God? और वे परमेश्वर के सात आत्माएं। ते देवाचे सात आत्मे आहे। Here God's peace means being led by the Holy Spirit. और यहाँ पर परमेश्वर बातें करने का तात्पर्य है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। यह ठिकाने परमेश्वर अपना सी बोलतो तैसा अर्थ पवित्र आत्मा द्वारे तो बोलतो। But God spoken with the people of God directly by the voice of God. परमेश्वर सीधे सीधे अपने वचन के द्वारा लोगों से बातें किया। परमेश्वर ने सर्व सम सरल सरल तथा लोकान बरोबर वचनां द्वारे तो बोलना। Dear child of God, secondly through Jesus Christ, the word of God, God spoken with us. दूसरा परमेश्वर की प्रिय लोगों यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने हमसे बातें किया। दूसरी गोष्ट प्रिय देवाचाले कानो यीशु ख्रिस्त वतीने परमेश्वर अपना सी बोलना। Now God by God speaking with us through the Holy Spirit. इन दिनों में पवित्र आत्मा के माध्यम से निरंतर लगातार परमेश्वर हमसे बातें करता है। परंतु आज वर्तमान समय परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारे सदैव अपना सी तो बोलता है। But dear children of God, when you sin against God, that time you can't hear the voice of God. लेकिन उसी समय में परमेश्वर की प्रिय संतान अगर आप ईश्वर के विरुद्ध में पाप करोगे उसकी वाणी सुनने ना पाओगे। परंतु त्याग समय प्रिय देवाचा लेकरानो जब तुम्ही पाप केल्याने देवाची वाणी तुम्हाला ऐकण्यास येणार नाही। First of all we are seeing about the Adam. सबसे पहले उदाहरण आदम का उदाहरण। आणि पहिले उदाहरण आपण आदमाचं पाहिलं। Adam having the fellowship with God. आदम का परमेश्वर के साथ बहुत ही सुंदर संगति का सहभागिता था। आणि आदमाचं पण थांबतो परमेश्वराबरोबर चांगले त्याचे संबंध
And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. उत्पत्ति किताब तीसरे अध्याय के आठ वचन में तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में सुनता था उसका शब्द उसको सुनाई दिया. यानंतर शिरोपाचा बारा सुटला अस्ता परमेश्वर और परमेश्वर देश भागत फिरत होता. But when they sinned against God, they hid themselves behind the tree. लेकिन जब इन्होंने पाप किया, वे लोग जाकर के एक झाड़ के पीछे छिप गए. परंतु शैतानी पाप केला, तनी अपने स्वतला एक झाड़ बागर लपविला. Like that, so many Old Testament people, when they sin against God, they are unable to speak with God. उसी प्रकार पुरातन में कई संत को देखने पाते हैं कि वे लोग ने जब ईश्वर के विरुद्ध में पाप किए, वे लोग परमेश्वर की आवाज सुनने नहीं पाए. अरे सुनिया करना मैंने अपना ऐसे संत का पातो जब तेरी देवाच्छा विरुद्ध पाप के लो देवाच्छी वाणी ते आई कुछ सक ले रही. When Saul sin against God and disobeyed the voice of God and word of God, जब राजा साउल ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया उसके वचनों को उसने नकार दिया. राजा साउल ने जब देवाच्छा आज्ञा उल्लंघन के लो तथा वचनाचा जब तेरी नकार के ला, that time he lost his Holy Spirit. उस समय में राजा अपना अभिषेक खो दिया. क्या वही राजा ने अपना अभिषेक गवाला. Now he is seeking for the voice of God. अभी वो ईश्वर की आवाज सुनने को तरस रहा है, ढूंढ रहा है. अरे तो परमेश्वर की वाणी ऐकने का तो शोध घेता है. Samuel also died. शमूएल देखो मर गया. शमूएल मेला. But he is not getting any counsel from any person. अभी उसको परमेश्वर की ओर से कोई सलाह देने वाला नहीं. परंतु परमेश्वर चवती ने तला सलाह देना रहा फोन नौता. And he went to the woman of the witchcraft and told her that call the Samuel that I want the counsel. और राजा साउल को जब सलाह देने वाला कोई न मिला तो एक फुटरी स्त्री के पास जाकर के कहा कि तू साउल को शमूएल को बोला कि मैं उसे सलाह दे सकूं. अरे अपन भातों की चारवी तला सलाह देना सटी कोनी मिलावे नहीं जब तो चार शादू तो ना करने रहते भाई पड़े जाऊं तिला भुलाऊं. Sad to say, so many children of God nowadays, they are denying the Almighty God and going to the witchcraft people. दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज अनेक ईश्वर के संतान परमेश्वर के सम्मुख में उसकी आवाज सुनने के बजाय अनेक प्रकार के जादू टोना के पीछे उन लोग जाते हैं. और यह आज दुख का चीज घोषणा है कि परमेश्वर अच्छे लेकर परमेश्वर अच्छी वाणी आई में आई वाजी ते जादू टोना कर मेरे लोग कर पड़े जाकर अरे फिर से करे ते जाऊं लाइटा. Your child of God, God is God, Almighty God. He will speak with you and he will save your soul. परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपसे बात करेगा और आपके प्राण को बचाएगा. प्रिय देवाचा लेकर वो अपना परमेश्वर सेनाधीश परमेश्वर है तो तुझी मानी आई दूत तो तुझी मानी आई थे अरे तो तू सब प्राण वाचवे. That's why our saints going on encouraging you to fill in the Holy Ghost. यही कारण है कि हमारे संत बार बार आपको उपदेश करते हैं कहते हैं आत्मा में भरो अन्य भाषा में बात करो. Hebrews 4:2 says,
my son. In और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की तो या पाड़ा शेवटी पुत्राच्या द्वारे आपल्याशी बोलला आहे. Whom he had appointed heirs of all things. जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया. सर्व गोष्टींचा वारिस ठेवला. By whom also he made the worlds. उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. आणि त्याच्याच द्वारे त्यांनी विश्वास निर्मिती The Child of God in the New Testament days, Jesus Christ, spoken with so many people. परमेश्वर के प्रिय लोगों ने नियम के इस करार में यीशु मसीह अनेकों के साथ बातें किया. प्रियंतो नवीकरण अच्छा पीढ़ी मध्य अपन भातो अच्छा प्रकारे यीशु पुष्ट लोगों से बोला. In the middle of the way, Jesus Christ spoken with the soul and turned his life. और रास्ते दमस्कस की ओर जाने वाले रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने साउल से बातें किया और उसके जीवन को बदल डाला. अरे अपन भातो दमस्कस मार्गावरती जाता सना साउल से परमेश्वर बोलला आणि त्याचा जीवन त्याने बदलल. Acts 9 chapter 3 to 5 verses. प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 5 तक के वचनों में प्रेषिता चक्रत्य 9 अध्याय 3 से 5 वचनांमध्ये. Secondly, God will speak with you through the word of God. दूसरा परमेश्वर इन दिनों में वचन के माध्यम से हमसे बातें करे. आणि दुसरा या दिवसांमध्ये परमेश्वर त्याच्या वचनाद्वारे आपणाशी बोले. That is the word of truth. और वो सत्य का वचन. आणि ते सत्याचं वचन. Ephesians 1 chapter 13 verse. एफिसियन की पत्री अध्याय 1 वचन 13. इफिसियन पत्र पहला अध्याय वचन 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना सुना जो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार है. आणि तुम्ही सत्याचं वचन ऐकलं जे तुमच्या तारणा करीता आहे. In whom also after that ye believed ye were sealed with the Holy Spirit of promise. और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा की वे पवित्र आत्मा की छाप लगी. त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याने देव केलेल्या पवित्र आत्म्याचा तुम्हावर त्याच्यासाठी शिक्का मारला. When you believe the gospel of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर जब आप विश्वास करोगे. प्रभु यीशु मसीहच्या सुवार्तेवरती जेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवता. When you believe the word of God and accept the Lord Jesus Christ as your personal savior. परमेश्वर के वचनों को विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब आप ग्रहण करोगे. जेव्हा तुम्ही देवाचे वचन ऐकता आणि प्रभु यीशु ख्रिस्ताचा व्यक्तिगत तारणारा म्हणून जेव्हा तुम्ही स्वीकार करता. सो द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट विल सील यू. उस समय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का छाप आपको मुद्रांकित करेगा छाप देगा. आणि त्यावेळी पवित्र आत्म्याचा शिक्का तुम्हाला लावला जाईल. गॉड विल स्पीक होली स्पिरिट. तीसरा परमेश्वर इन दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है. आणि तीसरा या दिवसांमध्ये परमेश्वर आपल्या बरोबर पवित्र आत्म्याद्वारे बोलतो. As I told Isaiah 30 chapter 21 verse. यशया किताब 30वा अध्याय के 21 वचन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. यशया 30वा अध्याय त्याचा 21वा वचनामध्ये जसा अगोदर मी बोललो. And thine ear shall hear the word behind thee saying this is the way walking it. हाच मार्ग आहे याने चाल अशी वाणी तुझ्याच मागून कानी पडे. मग तुम्हाला उजवीकडे जावायचं असावं किंवा डावीकडे जावायचं असावं. जर कभी भी तुम दाहिनी बाई ओर मुंडने लगो तर तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा. मार्ग यही है इसी पर चलो. Dear child of God, this is the voice you have to hear every day in your life. परमेश्वर की प्रिय लोगों ये वो वाणी है हर एक दिन जो आपको सुनना है. प्रियनो हिच ती वाणी आहे प्रत्येक दिवशी तुम्ही ती ऐकावी. 40 long years I am hearing this voice and living in the world and doing the ministry. परमेश्वर की प्रिय लोगों पिछले 40 साल लगातार में इस आवाज को सुनते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ. प्रियनो मागील 40 वर्ष मी हिच वाणी ऐकून परमेश्वराची सेवा करीत आलो. इन न्यू टेस्टमेंट डेज थ्रू द होली स्पिरिट गॉड विल स्पीक विथ अस. नया नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता. नवीन करणामध्ये पवित्र आत्म्याच्या द्वारे परमेश्वर आपल्याशी बोलतो. व्हाट द होली स्पिरिट सेज. पवित्र आत्मा क्या कहता है. पवित्र आत्मा काय म्हणतो. Acts 17 chapter 30 verse says. प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 30 वचन में. प्रेषितांचे कृत्य 17 त्याचं 30 वचन. And the times of the this ignorance God
wicked at him, but now commandeth all men everywhere to repent. और इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के स्वभाव पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य मन फिराव की आज्ञा देता है। अज्ञानाच्या काळाकडे देवाने डोळे झाप केले, परंतु आता सर्वांनी सर्वत्र पश्चाताप करावा अशी तो माणसांना आज्ञा करतो। मॅथ्यू 28 चॅप्टर 19 एंड 20 वर्सेस मॅथ्यू यीशू समाचारी 28 वचन की 19-20 वचन में मत्तै 28 त्याचा 19 आणि 20 वचन Lord Jesus had commanded that baptize the people and make them disciples. तो यीशु मसीह वहाँ पर आप क्या देते हैं कहता है कि तुम उन्हें बपतिस्मा दो और शिष्य बना। क्या ठिकाने प्रभु यीशु ख्रीस्त आज्ञा देते हो तुम इतना पाने सब बपतिस्मा बदिया अन इतना शिष्य बनवा। That's why we need the Holy Spirit in these last days. इसीलिए हमें चाहिए कि अंतिम दिनों में हम पवित्र आत्मा को पाएं। ये अस्तमा से वटना जो समझे अपना पवित्र आत्मा असावा। Holy Spirit is the love of God. It was sent upon your hearts. और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम है जो आपके हृदय में वो लेना जाता है। पवित्र आत्मा ही देवाची प्रीतिया है जे तुमचा हृदय अंत करनी होती जाते। Dear child of God, without the Holy Spirit, God never speak with you only by the word of God to the servants of God. परमेश्वर की प्रिय लोगों पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर कभी भी आपसे बात नहीं करेगा, सेवकों के माध्यम से हो या वचन के माध्यम से हो। पवित्र आत्मा वाच सुन परमेश्वर तुमच्याशी कधी बोलणार नाही, मते सेवकांद्वारे असो किंवा देवाच्या वचनांद्वारे असो। Why we need the Holy Spirit? हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आणि आपल्याला पवित्र आत्मा का हवा? So many blessings are there, time is not permitting. समय अनुमती नाही देला, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारी आशीष है। आणि वेळ अनुमती देत नाही, परंतु पवित्र आत्माच्या सामन्यास पुष्कळ आशीर्वाद आहे। John 14 chapter 21 and 23 verses योहान यीशु समाचार 14 अध्याय के 21 22 वचन में आणि योहान त्याचा 14 अध्याय 21 22 वचनांमध्ये by the Holy Spirit Father and Son will come and dwell in our hearts. पवित्र आत्मा का विषय केलेला पिता और पुत्र परमेश्वर हमारे हृदय में आकर के बसने लगता है। पवित्र आत्मा द्वारा पिता आणि पुत्र अपने हृदयामध्ये अंतकरणामध्ये येऊन वस्ती करतो। रोमन 18 चॅप्टर 8 चॅप्टर 13 एंड 14 सेज रोमी की किताब 8 का अध्याय के 13 और 14 वचन में रोमकरास पत्र 8 अध्याय का 13 आणि 14 वचन Dear children of God, you can mortify your members of the body by the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. भविष्य की प्रिय लोगों रोमी की पत्री 8 अध्याय के 11 वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा अपने मरे हुए कामों से आप अपने आप को जिला सकते हो। रोमकरास पत्र 8 प्रमाणे असे लिहिले आहे कि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे तुमच्या मध्ये असणाऱ्या मेलेल्या गोष्टींना त्याच्यातून तुम्ही बाहेर निघू शकता। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट्स इफ यू हियर द वॉइस ऑफ गॉड? आपले परमेश्वर की आवाज सुने तो मैं क्या लाभ होगा? परमेश्वराची वाणी ऐकल्यास तुम्हाला लाभ तो काय? When you hear the voice of God, you will be comforted. जब आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे, आपको तसल्ली मिलेगा। देवाची वाणी ऐकल्यास तुमच्या मनाला सांत्वना मिळेल। First of all, you receive the comfort from the voice of God. सबसे पहले परमेश्वर की आवाज सुनने से आपको तसल्ली मिलेगा। सर्वात प्रथम देवाची वाणी ऐकल्यास तुम्हाला सांत्वना मिळेल। Dear child of God, in the world, no one comfort you except the Holy Spirit. The voice of God. परमेश्वर की प्रिय लोगों इस संसार में आपको तसल्ली देने वाला कोई नहीं सिवाय परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के। प्रियंतो या जगामध्ये तुम्हाला सांत्वना देणारे दुसरे कोणी नाही, परंतु देवाचं वचन त्याचा पवित्र आत्मा केवळ देईल। Nowadays so many workers and believers crying day and night, who can comfort me? कई लोग दिनों रात लोगों के पास आकर रोते हुए कहते हैं कि कौन मुझे तसल्ली दे। आणि आजच्या दिवसांमध्ये दिवस आणि रात्र संकटांकडे लोक येतात, म्हणतात माझं सांत्वना कोण करील? According to my experience, Jesus only, the Holy Spirit only will give comfort in your life. ये अनुभव इसे मैं कहता हूँ कि केवल यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको तसल्ली दे सकता है। माझा अनुभव असा सांगतो की प्रभु यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्म्या
That's why practice to hear the voice of God daily in your life. इसी कारण से प्रतिदिन उसकी आवाज सुनने का अभ्यास करो. Secondly, when you hear the voice of God, you will be never backsliding your life. दूसरा, अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज सुनोगे, आपके आत्मिक जीवन में आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे. मानी सर तुम्हें देवाची मानी रोज आइकलेने तुम्हें तुमसे आध्यात्मिक छुना मदे कभी ही मागे फिर ना रही. My heavenly Father who called me is faithful to me. His 40 long years never allowed me to backslide in my life. मेरा स्वर्गीय पिता जो मेरे पति विश्वास योग्य है जिसकी आवाज मैं प्रतिदिन सुनता हूँ मुझे कभी भी पीछे हटने के लिए अनुमति नहीं दिया. आणि माझा प्रभु येशु ख्रिस्त तो माझ्या साठी चांगला आहे ज्याची वाणी मी रोज ऐकतो. गेले 40 वर्ष त्यांनी मला चालवलं मी कधी माग पाहिलं नाही. So many situations will come to backslide your life. So many blames and accusations and so many persecution will come. Hear the voice of God, you'll never backslide in your life. आपके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, कई प्रकार की आजमाइशें, कई प्रकार की निंदा और अपमान की बातें आएगा जिसके द्वारा एक व्यक्ति पीछे हट जाता है. किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनता है उसके जीवन में कभी भी पीछे हटने का कोई अवसर नहीं. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये पुष्कळशा कष्टांना, ओझांना, परीक्षांना, अपमानांना सामोरे जाता, परंतु तुम्ही कधी मागे फिरू नका. कारण का जो कोणी मनुष्य देवाची वाणी ऐकतो तो कदापि मागे फिरणार नाही. Thirdly, when you are weak and sick, when you hear the voice of God, you will be strengthened by God. तीसरा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कभी भी आप दुर्बल, कमजोर, बीमार होंगे और उस समय में परमेश्वर की आवाज अगर आप सुनोगे आपको शक्ति एक सामर्थ्य मिलेगा. आणि प्रियांनो, जेव्हा तुम्ही अशक्त असताल, दुर्बल असताल, त्रासलेला असताल, तेव्हा तुम्ही परमेश्वराची वाणी ऐकली असता तुम्ही बलवान व सामर्थी होता. Psalms 103 20 says, 103 भजन के 20 वचन में, स्तोत्र 103 वचन 20, Bless the Lord, ye his angels that excel in his strength. हे यहोवा के दूतों, तू जो बड़ा वीर हो और अपने वचन के मानने वाले से उसको पूरा करते हो. हे परमेश्वराच्या दूतांनो, जे तुम्ही बल संपन्न आहात आणि त्याचे शब्द ऐकून त्याप्रमाणे चालता ते तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. Hearkening unto the voice of his word. और उसके वचन के मानने वाले, त्याच्या शब्दांची ऐकणारे. So many children of God are weak because they don't hear the voice of the Lord. अनेक परमेश्वर के संतान इसलिए अपने आत्मिक जीवन में दुर्बल है क्योंकि वे लोग ईश्वर की आवाज को नहीं सुनते. पुष्कर देवाचे लेकरच आत्मा आत्मिक जीवनामध्ये दुर्बल आहात कारण का ते देवाची वाणी ऐकत नाही. Through the word of God, through the anointing of the Holy Spirit, you will be strengthened by God when you hear the voice of God. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे आपकी दुर्बलता में वो आपको बल, आपको सामर्थ्य देगा. परमेश्वराच्या पवित्र आत्म्या द्वारे, त्याच्या वचनाच्या द्वारे जेव्हा तुम्ही ऐकता तेव्हा तुमच्या अशक्तपणामध्ये तो तुम्हाला सशक्त करील. When you hear the voice of God, your inner man will be strengthened. परमेश्वर की आवाज सुनने के वक्त में आपका भीतरी मन स्वतः बलवंत हो जाता है. देवाची वाणी ऐकताना तुमचा जो अंतर्मुखी मनुष्य आहे तो सामर्थ्यशाली होईल. What is the fourth one? चौथा अनुभव क्या? चौथा अनुभव का? If you diligently hearken the voice of God, sickness will not come unto you. जब आप पूरे दिल से परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दोगे तो कोई भी बीमारी आपके समीप नहीं आए. देवाचं वचन तुम्ही जर लक्षपूर्वक ऐकले असता कुठलाही आजार तुम्हा जवळ येणार नाही. लेट अवर बिलीवर पास्टर स्टीफन, ही वॉज विथ मी इन द सेकंड बॅड. दॅट टाइम आय कम टू नो दॅट 30-40 लॉन्ग इयर्स ही नेवर फेल इन द सिक. और हमारे दूसरे पास्टर स्टीफन जो हमारे चीफ पास्टर थे सिकंदराबाद में, हमारे बीच में आने के समय में वो इस प्रकार मुझे अपने साक्षी देते हुए कहा कि पिछले 30-35 साल उसके जीवन में से कहीं में वो कभी भी बीमार नहीं पड़े. आणि पास्टर स्टीफन जेव्हा ते सिकंदराबाद या ठिकाणी आले होते त्यांच्याद्वारे मला कळण्यात आलं गेले 30-35 वर्ष त्यांच्या जीवनामध्ये आजार आला नाही. When we hear the voice of God, there is no chance to fall in the sick. जब परमेश्वर की आवाज सुनेंगे बीमार पड़ने का कोई अवसर ही नहीं होगा. क्षमा पण
देवाची वाणी ऐको आजारी पडण्याचं कारणच नसेल. If at all devil falsely bring any sickness, at the Lord he let thee. अगर कोई शैतान आपके जीवन में गलती से कोई की बीमारी लेकर की भी आए तो यहोवा परमेश्वर की वाणी यह है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा. आणि जर तुमच्या जीवनामध्ये शैतानाने कोणसा आजार जरी आणला तर देवाची वाणी तुझ्यासाठी ही आहे, मी तुझा आरोग्यदाता आहे. When the children of God entered into the wilderness, God first of all told that Exodus 15 chapter 26 verse. जब परमेश्वर इस्राएल के संतान मिस्र देश से निकल करके मरुभूमि में प्रवेश किए उस समय में सबसे पहले परमेश्वर निर्गमन की किताब 15 अध्याय के 26 वचन में यही बात उन्हें बता करके दिया. अपन पाहतो जेव्हा इस्राएल लोकांनी अपना प्रवास अरण्यामध्ये सुरू केला तेव्हा निर्गमन त्याचा 15 अध्याय 26 वचनामध्ये आपण पाहतो हीच वाणी परमेश्वराने त्यांना दिली होती. Said, if thou will diligently hearken to the voice of thy God, और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने, तू अपना देव परमेश्वर याचे वचन मनापासून ऐकशील, I will do that which is right in his sight, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, आणि त्याच्या दृष्टीने जे नीत ते करशील, and will give ear to his commandments, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, and keep all his statutes, और उसकी सब विधियों को माने, आणि त्याच्या सर्व विधी पाळशील, I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians. So जितने भी लोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं उनमें से एक भी दुष्पर न भेजूंगा. तर मिस्री लोकांवर जे रोग मी पाठविले त्यापैकी एकही तुझवरती पाठवणार नाही. This is the promise of God. Spirit of God says. यहाँ पर सातों के सात स्थान में सातों कलीसिया
करते परमेश्वर की आत्मा यही कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। What is the last verse we can read? Revelation 3rd chapter 19th word, the voice of Jesus speaking to tonight with you. प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय के 19 वचन में यीशु की वाणी आज की रात आपसे बातें कर रहा। प्रकटीकरण पुस्तक तीसरा अध्याय 19वां वचन आज सायंकाली परमेश्वराची वाणी तुझाशी बोलता है। Read that word. पढ़ेंगे वचन वाक्य। जितके वर मी प्रेम करीतो तितक्यांचा निषेध करून त्यांना शिक्षा करीतो म्हणून असा बाळक आणि पश्चाताप कर। As I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and repent. Continue, second, 20 verse. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in unto him. Any man hear the voice of me and open the door, I will come inside. यदि कोई मेरी आवाज को सुन करके अगर द्वार को खोले तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा। जर कोणी माझी वाणी ऐकून द्वार उघडेल तर मी त्याच्याजवळ आज जाईन। Tonight God is knocking at the door of your heart. आशीर्वाद आपके हृदय के द्वार पर देखो ईश्वर दस्तक दे रहा है। आणि आज रात्री परमेश्वर तुझे अंतकरणाच्या दरवाजावरती तो ठोकीत आहे। The angel of God is speaking with you directly through the word of God in the spirit. आत्मा में होते परमेश्वर आपसे बातें कर